खेत पे। पापा जी जा रहे हैं, चाचा जी जा रहे हैं, बड़े सबसे पतली गली में जा रहे हैं। वो छतरी भी नहीं निकल रही, छाता अट गया, वो छाता फंस गया उसमें, सबसे पतली। और अभी हम जा रहे हैं खेत पे, क्यों बोले हैं खेत जंगल देखे। जिसको जंगल बोलते हैं, जंगल जंगल पता चल। और ये जो देख रहे हो ना नाला टाइप, ये है नहर, नहर जिसको नहर बोलते हैं, जिससे खेतों में पानी आता है। और अब यहाँ पे पानी आ ही नहीं रहा है, कैनाल सिस्टम, पानी वहीं पे रुक जाता है पीछे। देख रहे हो ये आज भी ऐसा ही है, और 20-25 साल पहले भी ऐसा ही था ये। बस डिफरेंस क्या हुआ है, ये जो ईंटों का ये जो रास्ता है ना, ये पक्का हुआ है बस, वरना ये जो देख रहे हो ना गोबर के ये सब पड़े हुए हैं, ये आज भी वैसा ही है जो आज से 22 साल पहले था सेम। ये देखो और ये देखो कैसे बोल रहे हैं। ये देखो चीची कर रखी है सबने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं लोग, इतनी एफर्ट कर रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। और ये पीछे वर्षा दीदी विद अंजू, और ये मेरे साथ में विक्टर वंश अपने बालों को संवारते हुए, शायद इनके लिए कोई यहाँ भूत बात खड़ा होगा जंगल में। और अब मैं आपको अपने खेत दिखाता हूँ, और ये जो है जिसमें ईंख खड़ा हुआ है, ये हमारा खेत यहाँ से शुरू हो रहा है और पीछे तक है, ये है हमारा खेत, ये हमारे खेत, और पीछे है वर्षा दीदी विद अंजू जो कि ब्लर दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं ब्लर? क्योंकि वो दूर हैं। और ये वाला जो है जिसमें धान लगे हैं, ये हमारे चाचा जी का है, जो कि वो सामने पापा के साथ में है, ये चाचा जी के हैं। और ये जिसमें ईख खड़ा हुआ है जिसको गन्ना बोलते हैं, वो हमारा है। और एक और आ रहा है उनके खेत, कद्दू लग रहा, अरे कद्दू की बेल लग रही है। ये बटोड़ा है, ये बिटोड़ा है जिसमें उपले उपले उपले, ये रहे देखो, ये ऐसे गाय गोबर से बनते हैं जो ये सेव करने का है बिटोड़ा, ये है सबसे बड़े उपले, गोसे कहते हैं यहाँ पे इनको। और ये बनाया हुआ है छोटा मिनी रूम भूसे के लिए। और ये वाली है हमारी जिसमें धान कट गए हैं, ये वाली है हमारी दूसरी, वहाँ तक जहाँ तक वो लास्ट वाले पेड़ खड़े हैं बाउंड्री। और ये ताऊ जी का है, वो जिसमें ईंख खड़ा हुआ है, ये ताऊ जी की है। और ये हमारे अरुण भाई साहब हमारे सबसे जो छोटे जी छोटे वाले चाचा हैं, ये उनकी है, अरुण और का खेत है ये। अब आइए मैं इसकी चौड़ाई तो देख लिया आपने, अब लंबाई दिखाता हूँ कितनी है, ठीक ठाक लंबाई है, अभी देखना। ये तो पड़ोसी वाले यहाँ लाइन में इसलिए चल रहे हैं सब, पगडंडी टाइप बना रही है। तेता जी, ये चाचा जी का है पितृदेव संरक्षण, पूजा कर रहे हैं हमारे पितृदेव। और अभी हम थोड़ा सा जो है पूजा कर लेते हैं, सुहाम कर लेते हैं।
और ये है धान, ऐसे होते हैं देखो धान, ये धान है, ये देख सकते हैं। हमारा खेत ये आम का बगीचा है और धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, ये देखिए धीरे धीरे जा रहे हैं। ये यहाँ से ना गवर्नमेंट की जो कूल होती है ना, यहाँ पे कूल बोलते हैं उनको, कूल जैसे खेतों में पानी आता है, गवर्नमेंटेड होती है ये, हर खेत से कनेक्ट रहती है जिससे हर खेत को पानी मिल सकता है, इरिगेशन में हेल्प होता है बहुत ज़्यादा। अब हम बाग के अंदर से होके जाएंगे और अब हम जो है आम का जो बगीचा है और यहाँ पे इसको बाग बोलते हैं, यहाँ पे हैं जा रहे हैं उसके नीचे से, और ये आम के पेड़ आ गए हैं इधर, ये देख सकते हो छाँव की वजह से, क्योंकि छाँव है इसकी वजह से यहाँ पे जाए खेती इतनी पॉसिबल नहीं होती, तो ऐसी रहती है ज़मीन ज़्यादातर, और बारिश की वजह से और पानी की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे भी फिसल मत जाना, कीचड़ है इधर। और चल रहे वर्षा दीदी आ रही है पीछे से, अपने को संभालते हुए कहीं रिपट नहीं जाए, मतलब गिर मत जाए। पापा जो है वार्तालाप करते हुए जा रहे हैं चाचा जी के साथ में, वो बताते जा रहे हैं उनको। और ये देखिए इनको कहीं से पंख मिल गया है, तो ये बन गए हैं ट्राइबल वाले, जिनको हाँ नीलगायें आती हैं इधर, जो खेतों को बर्बाद कर देती हैं, जिस पे किसान, इससे पानी जाता है हर खेतों में, तो सब जो है आराम से आना, स्लो मोशन में कूद कूद की कुद्दी लगाओ। अंजू ने कुद्दी लगा लिए और वर्षा दीदी की बारी है, और वर्षा दीदी बच गई गिरने से। और ये है जिसमें ट्रैक्टर चला हुआ है, इसको गांव की लैंग्वेज में बहन बोलते हैं, बहन क्योंकि ये बहा दिया है, बह दिया है ना, मतलब मिट्टी वो कर दी है ना, बह दिया गया है ना ट्रैक्टर से इसको, तो यहाँ की लैंग्वेज लोकल जो है ना बहन कहते हैं, बहन बहन में चल रहे हैं अभी हम। पैडी क्रॉप की कल्टीवेशन के बाद जो है ये वो कर दिया है इसको, और वंश कह रहा है कि मेरे जूते सारे गंदे हो गए हैं, कह रहा है कि अब मेरी दादी मुझको सूत देगी, है ना, क्या कर देगी दादी, सूतेगी। और ये जो सामने अब दिख रहे हो ना ऊंचा सा, ये है यहाँ की नहर, जिसको गांव की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मैनर, रब जहाँ हम आपको दिखाएंगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में दिखा देंगे, कनेक्ट अगर हम हुए। ये चलना बहुत ही हुआ है उसमें, और बस कैसे तैसे करके जो है वर्षा दीदी जो है ये देखिए किस तरीके से बढ़ रही है, और शायद मुझे नहीं लग रहा है ये उसको चढ़ पाएंगी, और पापा जो है आप सबको सहारा दे दे के चढ़ाएंगे। और ये देखिए अंजू की बारी है पहले, और अंजू देखते हैं चढ़ती है कि नहीं, और सबको जो है लेना पड़ रहा है। और पापा ने स्टिक पकड़ा दी है, और ये चढ़ गई है, और अब वंश की बारी है, और अब है मेरी बारी, और अब मेरी बारी, और मुझे कोई नहीं पकड़ रहा। और ये बनी है छोटा सा, ये है वो मैनर जिससे सब खेतों में पानी होता है, और बारिश थोड़ी हल्की सी तेज हो गई है, और ये है 12 बोरिंग, और ये है 12 इससे खेतों में पानी आता है, अगर वैसे सरकारी पानी नहीं आता ये ऐसे, इसमें ये फ्री का नहीं होता है, इसमें 50 रुपये देने पड़ते हैं, ये गवर्नमेंटेड है। और ये है उड़द की फसल, उड़द उड़द दाल, ये वहाँ तक उड़द दाल है जिसमें ईख है, गन्ना लगा रखा है। ये है हमारा एक छोटा सा खेत, यहाँ पे भी है, और रास्ता कुछ ऐसा है, और बारिश झमाझम की चल रही है अभी, हल्की हल्की बारिश है, और ये है हमारा
और ये है हमारा खेत। वहाँ से लेके वहाँ तक है, आ जाओ। सो भैया सब साग डालिए। यहाँ तक है और एक इसी के परली तरफ है हमारा, एक डेढ़ बीघा और एक ही है हमारा, ये वाला पूरा देख सकते हो। देखिए ये है उड़द लगा हुआ, इन पे वो आ गई है, क्या बोलते हैं, फ्रूट आ गया है, उड़द की दाल ले। और अभी जो सामने देख रहे हो ना, ये गांव का दूसरा एंड है, दूसरा मतलब दूसरा स्टार्टिंग है, यहाँ से एंटर करें हैं गांव में। और जो हम एंटर किए थे ना गांव में, वो दूसरी साइड से किए थे, दूसरी साइड से। और ये एंट्री हमारी दूसरी साइड से है गांव की। ये पैडी क्रॉप हार्वेस्टिंग चल रहा है, ये देखिए, जिनको धान कहते हैं हम और राइस भी कहते हैं। है हमारे गांव का स्कूल, प्राइमरी स्कूल। और ये भक्त जन जो हैं, भक्त लोग जो हैं, मेले में से आ रहे हैं सब। और ये हमारे गांव का